फर्स्ट है पत्रकार बंधु मिस्टर साहब नमस्कार तुमका सगळ्यांक आज आयतारा ही खाशेली प्रेस कॉन्फरन्स आमच्या बरोबर आसा आमच्या दिल्ली सरकार आप आमचे सरकार आसा तातूंत कॅबिनेट मिनिस्टर श्री राजेंद्र पाल गौतमजी हांचे स्वागत आसा हांगा गोंयांत. आज खुबश्यो एक्टिविटी आमच्यो आसा. आतांच ते सावड्डे आमचे कॉन्स्टिट्युशन ऑफीस थंय ओपन जाला. आज हांगा सगळे जाण तुमी जमल्या ते मये कॉन्स्टिट्युशन बाब राजेश कलंगूटकार आज आमच्या पार्टी फॉर्मली जॉयन जाता. तांची वळख करून पडली दिता. राजेश कलंगूटकार फाटले ZP इलेक्शन जाले ताणें कंटेस्ट केले इंडिपेंडंट म्हणून कंटेस्ट केले आनी बऱ्या पैकी मतां काडिल्ली. मया जी अशी कॉन्स्टिट्युशन आसा आमी जेन्ना वीज आंदोलन सुरू केले ऑलमोस्ट एक वर्स जाले वीज आंदोलन चालू आसा बऱ्या पैकी रिस्पॉन्स आयलो. ह्या कॉन्स्टिट्युशन जो स्थानीक आमदार आसा ताका तुमी सगळ्यांनी पळयले जेन्ना मुखेलमंत्री जो म्हणटा डोर स्टेप डिलिव्हरी नाव देणं दिला किती नाव देणं सरकार तुमच्या दारी सरकार तुमच्या दारी थंय वता लोकांक एकाकडे हाडटा तेन्ना कश्यो हुशो घालून मयेच्या लोकांनी तांकां थंयच्यान पयस केले कित्याक काम कसलेच ते जावं ना. आनी आमची जे वीज आंदोलन मिटींग जाल्ले मागीर जॉब रेजिस्ट्रेशन बऱ्या पैकी प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो. प्रत्येक जाण ते घरांतले लोक मये कॉन्स्टिट्युशन सगळे जाण भायर आयले आनी नोंद केली आमचे जॉब रेजिस्ट्रेशन जावं वीज रेजिस्ट्रेशन जावं. आनी आज जे सगळे जमल्या मयेचे नागरीक मये कॉन्स्टिट्युशनचे जे राजेशा बरोबर जोडिल्ले आसा तांचे सगळ्यांचे स्वागत आसा आज ह्या मिटींगेंत. राजेशची वळख करून दिवपाक ते गेली 22 वर्सां लॅक्चरर आसा इन बिझनस मॅनेजमेंट एट डॉन बॉस्को हाय स्कूल. बरी एकदम शिकिल्ली पदवी आसा हांचे कडेन. ताणें MBA केल्ले आसा MA इन सोशियोलॉजी आनी इकॉनॉमिक्स केल्ले आसा आनी बऱ्या पैकी BEd जावन डॉन बॉस्कोन गेली 22 वर्सां शिकयता. तशेंच कला क्षेत्रांत सुद्दां तांणी नामनेचें काम केल्लें आसा. ते स्टेज आर्टिस्ट आसा आनी बरे पैकी प्ले जे आसा कोंकणी ड्रामा किंवा मराठी ड्रामा हातूंत ताणें डायरेक्ट केल्ले आसा आनी एक्टिंगूय केल्ली आसा. आनी मेन जे वावर आसता ते सोशल वर्क मये कॉन्स्टिट्युएंसीन सोशल वर्क जे आसा खुबशे मुद्दे जे आसा स्थानीक मुद्दे आसा मयेकार मयेचे लोकांचे ते सदांच तो किंवा अग्रेसर आसा सदां फुडें आसा. तो प्रेसिडेंट आसा मराठी संस्कृतीक केंद्र मये. तशेंच फाटले 5 प्रेसिडेंट आसा सम्राट क्लब 2018-19 वर्सा. सो हे जे कारगीत आशिल्ले जे सम्राट क्लब तशे प्रेसिडेंट संस्कृतीक केंद्र मोठे वावर ताणें केल्ले आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसतले मयेचे नागरीक आसा ते. आनी आमकां खोस भोगता की राजेश कलंगूट सारके कन्नाडे जे आसा जे बरे पैकी सोशल वर्क करतात ते आमच्या पार्टीन सामील जाता आनी तांचे स्वागत आसा. हांव मागता श्री राजेंद्र पाल गौतमजी मंत्री कडेन की ताणें रितसर तांचे स्वागत करचे पार्टी मागीर दोन उतर उलोवपाक. तशेंच तांच्या वांगडा आसा शिरगांवचे माजी पंच सरपंच लाडकेश पालनी तांचे आमच्या पार्टीन स्वागत आसा. हांव आतां मागता श्री मंत्रीजी कडेन राजेंद्रजी कडेन की ह्या वेळार ताणें संबोधीत करचें. सर्वप्रथम
सभी को नमस्कार। ये बेहद खुशी की बात है कि देश को बदलने की शुरुआत जो दिल्ली से हुई थी, उसने लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा किया है। अब लोग बोलने लगे कि हो तो सकता है। आम आदमी पार्टी देश की पहली पार्टी है और अरविंद केजरीवाल देश के ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने देश को, देश की राजनीति को बदलने का संकल्प लेकर राजनीति की शुरुआत की और चुनाव से पहले किए हुए वायदों को एक धर्म ग्रंथ की तरह मानते हुए अपने सारे वायदों को पूरा किया और लोगों के अंदर यह विश्वास पैदा हो गया कि हो तो सकता है। जब पूरे देश के अंदर लगातार शिक्षण संस्थानें इस तरह की हो गई कि सरकारी स्कूलों में लोगों का भरोसा कम होने लगा, सरकारी अस्पतालों से लोगों का भरोसा उठने लगा, एक अंधकार का वातावरण था और एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन बढ़ता चला गया, एक के बाद एक प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज खुलते चले गए और उनकी फीस, साल की फीस और ट्रांसपोर्ट, ट्यूशन वगैरह खर्चे लगा लिए जाए तो एक साल का खर्चा लाखों रुपए में, तो देश के 95% लोग एक साल का, एक बच्चे के लाखों रुपए का फीस का खर्चा नहीं उठा सकते। ऐसे में किसी भी परिवार की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि इस महंगाई के दौर में हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे और अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए, लाखों रुपए का खर्च बता दे डॉक्टर, तो बच्चों का इलाज कैसे होगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से देश की राजनीति को बदलने के संकल्प के साथ अपने घोषणा पत्र में अनेकों वायदे करके चुनाव लड़ा और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर भरोसा किया और चुनाव में जिताया, बहुत भारी बहुमत से जिताया। 70 में से 67 सीटें 2015 के चुनाव में दी। उस वक्त लोग कहते थे कि ये चुनाव चुनावी जुमले हैं, चुनावी वायदे हैं, जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ये वायदे पूरे नहीं कर पाएगी। लेकिन खुशी की बात यह कि हमने कहा था बिजली हाफ करेंगे, पानी माफ करेंगे, लेकिन हमने 200 यूनिट बिजली भी पूरी तरीके से फ्री कर दी, जबकि हमने बिजली के दाम आधे करने की बात की थी, लेकिन 200 यूनिट तक बिजली फ्री की और 200 से ऊपर 400 तक बिजली के दाम आधे किए। और जिन बीजेपी शासित या कांग्रेस शासित राज्यों से दिल्ली बिजली खरीदती है उनसे भी कई गुना ज्यादा सस्ती बिजली हम दिल्ली में लोगों को दे रहे हैं। हमने टोटल बजट का लगभग 24% एजुकेशन पे खर्च करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को इतना बेहतरीन बना दिया कि आज लोगों का भरोसा सरकारी एजुकेशन पे इतना बढ़ गया है दिल्ली में कि लोग सरकारी स्कूलों से नाम कटा के, सॉरी, प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में लगातार भर्ती हो रहे हैं। बल्कि इस साल तो रिकॉर्ड हो गया, लगभग 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ जिस तरह पूरे भारत में दिल्ली पहला राज्य है जिसने लगभग 13% हेल्थ पे खर्च करके हेल्थ सर्विस को दिल्ली में इतना बेहतरीन बना दिया और मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक, उसके बाद हॉस्पिटल, उस पर सुपर स्पेशली हॉस्पिटल, तो 4 लेयर का जो स्वास्थ्य का जो सिस्टम बनाया, आज वहां कितना ही इलाज का खर्च हो, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी खर्चे पे इलाज उपलब्ध है, सरकारी खर्चे पे पढ़ाई उपलब्ध है। और जो बच्चे सपने देखते थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जज बनना है, IAS IPS बनना है, लेकिन पिछले कुछ सालों में पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने ज्यादा आगे बढ़ गए कि जो बच्चे कोचिंग नहीं लेते वो बच्चे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सिविल सर्विसेज में, जुडिशरी में, तमाम तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आ पाते। तो अगर बच्चे प्रतिभाशाली हैं, बच्चों के पास पैसा नहीं है,
तो क्या ऐसी प्रतिमाओं को मर जाना चाहिए? नहीं मरना चाहिए, उसके लिए सरकार की यही तो जिम्मेदारी है। तो दिल्ली के अंदर हमने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाई, जिसमें दिल्ली के 15,000 बच्चों को हम सिविल सर्विसेज की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, जुडिशरी की, क्लैट की और तमाम तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कोचिंग दे रहे हैं। यहां तक उसका रिजल्ट इतने अच्छे आए कि जिस IIT दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बेटे का एडमिशन हुआ, उसी IIT दिल्ली के अंदर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का लाभ उठा के एक मजदूर के बेटे का एडमिशन हुआ। तो इसका मतलब हो तो सकता है, नियत चाहिए। हमने दिल्ली के गरीब से गरीब बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देके और जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना देकर उनके सपनों को साकार करने का मौका दिया। तो अगर हम दिल्ली में कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। आज गोवा के अंदर हो सकता है कि विपक्ष की पार्टियां कह रही हूं कि अरविंद केजरीवाल तो वादा कर देते हैं, यहां भी आके वादा कर रहे हैं, सब कुछ मुफ्त दे रहे हैं। सब कुछ मुफ्त नहीं दे रहे हैं, आप एक माचिस भी खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, आप कपड़ा खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, कोई भी चीज आप खरीदते हैं आप उस पर टैक्स देते हैं और उस टैक्स के पैसे से ही सरकारें चलती हैं, उसी से सारे डेवलपमेंट के काम होते हैं। लेकिन जो पैसा इधर उधर रिश्वत में गलत चीजों पे लोग खा जाया करते थे, अगर उस पैसे को बचाकर हम डेवलपमेंट करते हैं, बिजली सस्ती करते हैं, बिजली फ्री कर देते हैं, एजुकेशन का स्तर सुधार देते हैं या अस्पताल सुधार देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना देते हैं, तो इसमें किसी को एतराज क्यों होना चाहिए? हमने एक विश्वास पैदा किया है, हमने कहा था हम VIP कल्चर को खत्म करेंगे, हमने दिल्ली में लाल बत्ती खत्म की, आज पूरे देश से लाल बत्तियां खत्म हो गई हैं। हमने जो जो वायदे दिल्ली में किए हमने सारे वायदे पूरे किए हैं, वरना लोग सोचते थे सरकारी स्कूल सुधर ही नहीं सकते। लेकिन आज इंजीनियरिंग मेडिकल में जो रिजल्ट आए, जो एडमिशन हुए, आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो प्राइवेट से भी ज्यादा सरकारी बच्चे सेलेक्ट हुए। तो हमने कर दिखाया। आज जिस तरह की समस्याएं गोवा के अंदर हैं, खासतौर पर कोविड के बाद टूरिज्म जिस तरह प्रभावित हुआ और जो अनएम्प्लॉयमेंट उसकी वजह से बढ़ा, दूसरी तरफ माइनिंग बंद हुआ, यानी एम्प्लॉयमेंट, इतने एम्प्लॉयमेंट के जो साधन है उनको बढ़ाने पे जो सरकार को कदम उठाने चाहिए तो नहीं उठाए। अगर वो कदम उठाए जाते तो मैं समझता हूं गोवा की तस्वीर बदली होती। हम बचपन से सुनते हैं बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे देश का भविष्य है, तो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस दो, उनके लिए रोजगार के साधन तो दो। आज हमने वायदा किया 300 यूनिट बिजली गोवा के अंदर फ्री करेंगे, हम बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपया देंगे और जो कोविड से इफेक्ट होने के बाद टूरिज्म के क्षेत्र वाले लोग या माइनिंग के क्षेत्र वाले लोग के रोजगार गए उनको 5,000 रुपया उनके परिवार के एक सदस्य को भत्ता देंगे। सरकारी नौकरी में 100% केवल गोवा के लोग होंगे, बाकी नौकरियों में 80% गोवा के लोग होंगे। अगर हम ये वायदे कर रहे हैं तो हम कम से कम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने दिल्ली में करके दिखाया है। आप गोवा की जो आज प्रेजेंट में सरकार है BJP की जोड़ तोड़ के बनाई हुई, उससे पिछली बार भी BJP की सरकार थी, उससे पहले गोवा में कांग्रेस की सरकारें थी, आप दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र को निकाल के पढ़ो और उसके बाद ये कंपैरिजन करके देखो क्या जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी या उसके बाद जो भाजपा की सरकार थी, क्या उन्होंने अपने चुनावी वायदों को जो उन्होंने घोषणा पत्र में घोषणाएं की थी, वायदा किया था गोवा की जनता के साथ, क्या उन्होंने वो वायदे पूरे किए? अगर नहीं किए हैं तो फिर ऐसी सरकार को फिर से चुनने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी की सरकार चुनने की जरूरत है जिसने अपने वायदे पूरे करके जनता के को ईमानदारी के साथ करके दिखाया हो। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज आम आदमी पार्टी की नीतियों से खुश होकर, आम आदमी पार्टी की योजनाओं से खुश होकर, अभी हमारे अनिल गांवकर जी ने उधर ज्वाइन किया और आज इधर राजेश कलंगुटकर जी ज्वाइन कर रहे हैं, लड़केश पालनी जी जो एक सरपंच भी रहे वो ज्वाइन कर रहे हैं और इनके और बहुत सारे साथी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि गोवा के लोगों में भी आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा बढ़ा है और आम आदमी पार्टी की नीतियों को गोवा के लोग पसंद कर रहे हैं। इसीलिए एक के बाद एक लगातार गोवा के अंदर
लीडर्स भी और जो सामाजिक लीडर्स है वो भी और जनता भी, वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रही है, उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। ये एक अच्छे संकेत है और मैं उम्मीद रखता हूँ आने वाले समय में गोवा को एक मजबूत, सशक्त, ईमानदार, भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली, आपके रोजगार के साधन बढ़ाने वाली सरकार हम देंगे और सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के जो आपका माइनिंग का जो काम रुका हुआ है उसको खुलवाने के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे और हर घर से युवाओं को रोजगार मिले उस दिशा में भी हम लोग नीतियां बना रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, पूरे किसी भी स्टेट में जहां हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए संभावनाएं लोग पसंद कर रहे हैं, वहां के पूरे बजट को, वहां की पूरी स्टडी करते हैं, वहां की परिस्थितियों को स्टडी करते हैं और फिर जब हम वायदा करने से पहले हम ये स्टडी करते हैं कि वायदे को पूरा कैसे किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में गोवा के लोगों के लिए एक अच्छी शुरुआत होने वाली है और गोवा में आम आदमी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी और लोगों के भविष्य के उनके सपनों को साकार करेगी। और जिन साथियों ने आज पार्टी ज्वाइन की है मैं उनका पार्टी में स्वागत करता हूँ। इससे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ मजबूत होंगे और मैं समझता हूँ इससे गोवा भी मजबूत होगा। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। जेना राजेशाक मेळो एक महीना पैली ऑलमोस्ट तक एक जाले पार्टी क्या जॉइन जाऊँ सोता आपूँ 22 वर्षा शिक्षण क्षेत्र आसा दिल्ली जो एज्युकेशन बदल जला तो देखने बदल आसा कि जो सादो बारीक भूगो आसा तो सुधा आता आई आई टीन पाल जैसे मंत्रीजी सामने एक टेलर तो भूगो आई आई टीन पाला एडमिशन घर आई आई टीन सो कंप्लीट रिफॉर्म जो एज्युकेशन जो भलायकी जो प्रत्येक क्षेत्र मेन मेरे भ्रष्टाचार ना कसा करप्शन ना सो राजेश व्यवस्थित अभ्यास के दिल्ली सरकार करता आम आदमी पार्टी करता हाँ मगता राजेश दोन उतर उलोची अपने जॉइनिंगा बदल फुढ़े काम धंदा काम कस धन्यवाद। सगळे नमस्कार। हाँ खरे म्हटल्यार एक वर्षा पहिली आम आदमी पार्टीचे जे कोऑर्डिनेटर्स हंगासर गोंयान आसा ते म्हज्या संपर्कान आयले आनी त्या वेळार आम आदमी पक्षान जॉयन जातलो काय कितें हो मोठो प्रश्न आसतलो। पण त्या उपरांत दिल्ली सरकारा बद्दल माहिती फाइंड आउट करपाचो प्रयत्न केलो त्यांचे काम कितें कितें दिल्ली सरकारान चललेले आसा किंवा दिल्लीन चललेले आसा हेच्या बद्दल माहिती घेवपाचो प्रयत्न केलो। आनी हांव स्वता शिक्षण क्षेत्रान आसल्या कारणान शिक्षण क्षेत्रान कितें काम आसा शिक्षण क्षेत्रान कित पर्यंत आम आदमी पार्टीन दिल्लीन काम केल्लें आसा हेच्या बद्दल माहिती घेवपाचे प्रयत्न केलो। आनी तेच्या नंतर जे ट्रान्सफॉर्मेशन जे दिसपाक येयलें हांवें इवन जो आमचे आपले दिल्लीचे जे उपमुख्यमंत्री आसा सिसोदिया तांच्यानी एक बूक बरयल्लो आसा शिक्षा म्हणून तो बूक हांवें मागोवन घेतलो आनी ताजेर वाचन केलें तेजेर वचून फायंड आउट केलें की बाबा हे कितें तरी वेगळें करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी तें सगळें पळयल्या उपरांत विचार येयलो की गोंय आमच्या दिल्ली पेक्षा ल्हान आसा पॉप्युलेशन कंपेरेटिवली दिल्ली गोंयाचे पॉप्युलेशन कमी आसा आनी गोंय हे अशें आमचो क्षेत्र आसा की हांगासर ह्यो ज्यो गोश्टी दिल्ली सारक्या क्षेत्रान करूं शकता ते गोंयान आमी कांय ना कशें करूं शकता आनी खरें इम्प्रेस जालो जे काम तेंचे थंयसर चल्लेले आसा तें पळोवन खरें इम्प्रेस जालो। पण कांय दीस गेले डिसिजन घेवपाक आनी आयज डिसिजन घेतले एक सादें एग्जाम्पल बऱ्या पैकी तेंचे थंय काम चललेले आसा एक सादें एग्जाम्पल दिवपाचें जालें तेंच्यानी जी गव्हर्मेंट स्कूल्स आसात थंयसर गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स आसात ती अशी ट्रान्सफॉर्म केल्ली आसा की पुढे दे आर द कॉर्पोरेट स्कूल्स तितूसून जी माहिती म्हाका मेळ्ळी जी फायंड आउट करपाचो प्रयत्न केलो तांचे कडेन स्विमींग पूल्स जे आसा जे गव्हर्मेंट स्कुलांनी यू कॅन कंडक्ट इवन इंटरनॅशनल स्विमींग कॉम्पिटिशन ओव्हर देयर अशा पद्धतीची ज्यो फॅसिलिटीज दिल्लीकरांक आयज मेळ्ळेले आसा त्यो आम आदमी पार्टीक लागून मेळ्ळेले आसा। आनी एक गोश्ट जी म्हाका खऱ्या मनानसून जी हांव इम्प्रेस जालो आमी जास्तशे वेळार पळयता की आमी गोंयाचो जर विचार केलो जाल्यार गोंयान खऱ्या पद्दतीन गोंयचो मूळ पुत्र जो आय ए एस जाल्लो आसा तो एकूच आसा बाकीचे जे गोंयान काम करतात किंवा गोंयान येवन स्थायीक जाल्या त्या गोश्टी वेगळ्यो हांव म्हणटा गोंयकारां कडेन ती कॅपेसिटी ना जाय गोंयकारां कडेन ती कॅपेबिलिटी ना जाय गोंयकारां कडेन बऱ्या पैकी आसा पूण ज्यो फॅसिलिटीज
ज्यो एमिनिटीज तांकां गोंयच्या लोकांक ज्यो मेळपाक जाय फुडें सरपाक लागून शिक्षण क्षेत्रांत त्यो खंय तरी कमी पडटा म्हणून आयज ही परिस्थिती जाता. तांच्यानी थंयसर एक बऱ्या पैकी काम केल्लें आसा. फ्रॉम सिक्स स्टँडर्ड ऑनवर्ड्स दे हॅव मेड अ सिलेबस इन सच अ वे दॅट स्टुडंट्स आर ऑन देअर ओन दे आर स्टडींग द मॅटर वॉट दे रिक्वायर टू आन्सर द आय एस एक्झाम्स टू क्वालिफाय इन द आय एस एक्झाम्स. इट वॉज अ वंडरफुल थिंग अँड आय वॉज रियली इम्प्रेस्ड विथ दिस. की हे जर करू शकता म्हणजे यू आर नॉट स्टडींग यू आर नॉट प्रिपेरिंग फॉर द आय एस एक्झाम बट ऑटोमॅटिकली फ्रॉम युअर चाइल्डहूड यू आर ट्राईंग टू नो वॉट यू रिक्वायर टू स्टडी फॉर युअर आय एस एक्झाम्स. म्हणजे अशें जातलें काही वर्सांनी आनी की जे आय एस आनी आय पी एस जे त्या कॅडरांचे जे ऑफिसर्स आसा ते मोस्ट ऑफ दॅम वील बी फ्रॉम द दिल्ली. वाय कांट वी डू इट इन गोवा? वाय आर वी नॉट टेकिंग इनिशिएटिव्ह इन गोवा? आमच्याकडे बऱ्यापैकी टॅलंट्स असतात, आमच्याकडे बऱ्यापैकी भुरगे त्या लेवलाचे इंटेलिजन्स लेवल असलेले भुरगे असतात. आणि जेव्हा हा विचार तकलेत गेलो त्यांना विचार केले आय शुड गो विथ आप. कारण जर आप थंय करू शकता वाय नॉट इन अ स्मॉल स्टेट लाईक गोवा? कारण जर आमच्या भुरग्यांचो फुडलो फुडार आणि फुडली पिढी जर आमचा सक्षम करपाक जाय वी वॉन्ट अ गव्हर्नमेंट विच इज नॉन करप्ट विच इज हॅव्हिंग अ विजन अँड विच इज गोईंग फॉर द डिझायरेबल डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट जोपर्यंत आम्ही कमोडिटीज आणि प्रॉडक्ट्स बाजारांसून घेऊक लागतले घेतले तोपर्यंत रेव्हेन्यू हो गव्हर्नमेंटाकडे वचत राहतलो. आणि जोपर्यंत रेव्हेन्यू गव्हर्नमेंटाकडे असा तोपर्यंत रस्त्यांचे आणि बाकीचे जे बारीक बारीक डेव्हलपमेंट असतील ती जायत राहतो. बिकॉज इट्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस. इवन इफ देर इज नो गव्हर्नमेंट अँड इफ इट्स अ प्रेसिडेंट रूल यू हॅव टू यूज दिस रेव्हेन्यू फॉर द डेव्हलपमेंट. सो हे चलतलेच. आमकां डेव्हलपमेंट जाय ते ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, मनशाचे सशक्तीकरण जे म्हणता ते करपाक जाय. अँड वी नीड टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दॅट. हा खरे इम्प्रेस झालो दिल्लीन दे हॅव स्टार्टेड आय वुड से रेव्होल्युशन इन द एज्युकेशन अँड दे ऑल्सो स्टार्टेड विथ द स्किल डेव्हलपमेंट जे आयज गरज असा. आमचे भुरगे फक्त शिकतात बट इट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन वेदर दे हॅव द स्किल ऑर नॉट. स्किल डेव्हलपमेंट आसप सामके गरजेचे. ह्या उपरांत तेंच्यानी जे पद्दतीन दिल्ले स्किल डेव्हलपमेंटाचे कामां सुरू केल्ली आसा पूर्ण देशभर स्किल बेस्ड जे एम्प्लॉईज जाय ते दिल्लीसून येतले. वाय कांट वी डू इट इन गोवा? ह्या गोष्टी गोंयान जावपाक जाय. आणि गोंयान जावपाक जाय जाल्यार त्या पद्दतीचे सरकार असपाक जाय. आणि तेका लागून आम आदमी पार्टी आमकां खबर आसा की गोंयान आतां आमी ह्या वर्सा 60 वर्सां मनयतात गोंयच्या स्वातंत्र्याची. त्याच्या उपरांत 63 पहिले सरकार झाले आणि आयज आम्ही पळयता की 60 वर्सां झाली त्या उपरांत जी सरकारां चालू असतात. ह्या फावटी म्हाका नक्की अशें दिसता की ह्या फावटी आम आदमी पार्टीचे सरकार कॉमन मनशाचे सरकार गोंयांत जातलेच. कारण सांगता आमी जर मास्टरी जर हिस्ट्री जर फाटल्यान वळून पळयली 63 महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाचे पहिले सरकार झाले त्या वेळार खरे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट सुरू झाले. त्यांना शाळा सुरू झाल्यो आणि त्या वेळाचे काम बरे असले. बट ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम सिन्स द रॉंग पीपल स्टार्टेड गेटिंग इन टू द पॉलिटिक्स आणि त्या उपरांत पॉलिटिक्साचे किरे झाले हे सगळे गोयकारांनी पळयले. आमकां खबर आसा 81 पर्यंत महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाचे सरकार चालले. 81 नंतर 98 पर्यंत मोरलेस मिक्स असे काँग्रेसचे सरकार चालले. आणि त्याच्या उपरांत 17-18 वर्सां आता भारतीय जनता पक्षाचे सरकार उरले. बारीक जर स्टडी केली जर गोयकारांची सायकोलॉजी अशी असा की गोयकार 17-18 वर्सांच्या उपरांत खंयचेच एका पार्टीचं सरकार दवडिना. तिनांची पळयला तुम्ही गोमंतक महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाची 17-18 वर्सां झाली सरकारान त्या उपरांत लोकांनी त्यांना दवडले ना. काँग्रेसचे तशेंच झाले. आज महाराष्ट्र आपले भारतीय जनता पक्षाचे सरकार 17-18 वर्सां कंप्लीट झाले. आता जे किरें येतले ते स्क्रीनिंग आणि मंथन जाऊन आम आदमी पार्टीचे सरकार येतले हे ठरलेले असा. म्हाका आम आदमी पार्टी ह्या गोष्टींक लागून म्हाका बरी दिसली आणि म्हाका भितर येवचे अशें दिसले. आमचो भाई मतदार संघ जे भुमीचेर म्हजो जन्म झालो, जे भुमीचेर हांव वाडलो आणि घडलो त्या मतदारसंघात जर वचून पळयले जाल्यार आयज सुद्धा ज्यो फॅसिलिटीज आणि जे हक्काचे आपले जीवन आमच्या लोकांक थंयसर मेळपाक जाय ते अजूनय मेळना.
आमची सगळी जर गावं पळयली तर सगळ्या गावांनी जमिनींचे विषय असतात. बाकीचे जर विषय पळयले आमची शेतां जर थंय वचून पळयली 70-80% शेतां पडींग आसात. आमच्या लोकांची थंय घरां आसात पूण घराच्या जमनीचेर बांदलेली आसा त्या घरांक जमनीचो त्या घरांचो जमनीचो हक्क त्या लोकां कडेन ना. आमच्या लोकांकडे बागायती आसा त्यो बागायती घसोवपाचे सगळ्या भुरग्यां कडेन ताक आसा आनी तांकां ते करपाक जाय पूण ज्यो फेसिलिटीज ज्यो स्किम्स गव्हर्मेंटाच्यो तांकां मेळपाक जाय त्यो मेळना अशी परिस्थिती मतदारसंघाची जाल्ली आसा. आमी खूप प्रयत्न करता की ह्या दुष्काळांसून हांव दुष्काळांसून म्हणटा कारण जे मयेचे लोक आमचे दुःख इतकी वर्षा गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत भोगीत आसात त्या दुःखांसून तांकां भायर काडटले जाल्यार एक नवे फ्रेश नॉन करप्ट विजन असलेले सरकार जाय तरूच हो प्रश्न सुटू शकतलो. बऱ्यापैकी मये मतदारसंघान प्रश्न आसा आनी ताका लागून म्हाका दिसले की आम आदमी पार्टी हो एक असो पक्ष आसा की जेका विजन आसा जिचे कडेन फाल्यां कोण इन्फ्लुएंस करूं शकचे ना कोण दबाव हाडूं शकचे ना मये मतदारसंघातले प्रश्न सोडपाक लागून आनी ताका लागून अशे लोक आसात हांगासर जांच्या कडेन हुशारकी आसा जांच्या कडेन इंटेलिजन्स आसा जांच्या कडेन कॅपेसिटी आसा काम करपाची आनी काम करून घेवपाची कॅपेसिटी आसा अशे लोक हांगासर आसात बरे लोक हांगासर आसात म्हणून अशें दिसलें की आम आदमी पार्टीन जॉयन जावचें. हांव ह्याच बरोबर म्हज्या मये मतदारसंघातल्या इतर सगळ्या म्हज्या भावंडांक आनी भयणांक विनंती करीत की ह्या वेळा मये मतदारसंघात आमी आम आदमी पार्टीचो सीट नक्की जिखून हाडया. त्याच बरोबर सगळ्या गोंयकारांक विनंती करत की एक पर्टिक्युलर टायम जाल्या उपरांत आमकां हो बदल करपाकूच जाय. बदल जालो ना ती चेंज जी म्हणटा बिकॉज इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस चेंज ही जावपाकूच जाय आनी आमी सगळे जाण मेळून सगळ्या गोंयकारांच्या आणि मये मतदारसंघातल्या प्रत्येक घराकडे आणि घरातल्या प्रत्येकाकडे पावपाचा प्रयत्न करूया आणि प्रत्येकाचे दुःख दूर करण्याचा प्रयत्न करूया. देव बरे करू. मना काळजात उतरा उलयली तरे तरेचे इश्यू असा मये कॉन्स्टिट्युशन मये मतदारसंघात जाऊ ते जागेचे जाऊ शिक्षणाचे जाऊ जे भाऊसाहेबांनी शाळा सुरू केल्यो त्यो सरकार एका फाटोफाट एक बंद करत असा. आम आदमी पार्टी अशी पार्टी असा तांकां इच्छाशक्ती असा इच्छाशक्ती असा जे सांगतले ते करून दाखयतले. आता आमी ज्यो गॅरंटी दिला जावं त्यो विजाच्यो जावं त्यो नोकऱ्योच्यो ते करून दाखयतले. कितलेय प्रमोद सावंत हाचे मंत्री म्हणा कॉपी करूयो स्कीम ते फक्त फुटी आश्वासन उरली ते करूं शकचे ना काय. जसे राजेशान सांगले मंत्री जे सांगले आम आदमी पार्टी म्हाका खात्री आसा गोंयचे लोक आता एक चान्स दितले एक 5 वर्सां दिवन पळयतले 5 वर्सां दिवन खरोच गोंयांत बदल कितें हाडटले ते आम आदमी पार्टी करून दाखयतले. जेन्ना आमी मया मतदारसंघान आमचें काम सुरू केलें तेन्ना आमचे कडेन सुरवातीक जोडले भाई उपेंद्र गांवकर मागीर आनी आनी लोक जोडत गेले आज राजेश कळंगूटकर जोडल्या तांचे वांगडा तुमी सगळे जाण आयले. ह्या वेळार मागता हांव बाब उपेंद्र कडेन की 2 उतरां उलोवचे सगळ्यांचे आभार प्रदर्शन करचे. आज आमच्या मदीं आमच्या मये मतदारसंघाचो म्हाजो मित्र प्राध्यापक राजेश कळंगूटकर जॉयन जाल्लो आसा. आम आदमीच्या वतीन हांव तेंचें स्वागत करता. गेले 1 म्हयनो तेजी ट्रायल चलताली म्हणजे जॉयन जावचें काय ना. हांव 2-3 दिसांनी ताका मेळ्ळो आमच्यो मिटिंग्यो जाल्यो ताका सांगलें की जॉयन जा आमी बरोबर काम करुया सगळे जाण आणि मये मतदारसंघात आम आदमी पार्टीचो उमेदवार आम्ही निवडून हाडपाचो आमचो प्रयत्न करूया. आयच्यान सुरवात जाल्ली आहा. आमचो माजी सरपंच शिरगोळचो बाब राकेश पाळणी प्रकाश कवटणकर चोडणेचो बाकीचे इतर सगळे आमचे बांधव भगिनी आम्ही आयच्यान सुरवात करूया की जे आमचे 7 पंचायती आहा त्या 7 पंचायतींनी भोवन जो आमचो कॅन्डिडेट पार्लमेंटरी बोर्ड जो डिक्लेअर करतलो त्याका आमी निवडून हाडपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. तुमी आयज हांगा मुद्दाम येयल्यात सगळे आमचे मये मतदारसंघाचे नेते बांधव भगिनी तुमचे आम आदमी पक्षाच्या वतीन हांव आभार मानता. तशेंच आमचे दिल्लीचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम जेन्ना हांव जॉयन जाल्लो तेन्ना तेंच्यांनी तेंचे हस्ते हांव जॉयन जाल्लो आनी तेंच्यांनी शिरगांव येवन लयराई देवीचे दर्शन घेतलेले मंदीर भयण.
तर तुमका खबर आसतले की अख्ख्या गोंयान लयराई देवीची जात्रा आणि देवीचे हे कितें आहा ते. हांव राजेशाक विनंती करता की आज तूं जॉयन जाला, पयली आज देवान यो, देवीचे दर्शन घे. कित्याक ज्या राजेंद्र गौतम पालन मंत्र्यान जेणी दर्शन घेतले त्याच मनशान तुका आयज एंट्री दिल्ली आहा. हो योगा योगा, हांव तेजे अभिनंदन आभार मानता ते मुद्दाम हांगा येयल्या बद्दल. तशेंच आमचे पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रिंट मिडिया, आमचे कन्वेनर बाब राहुल मामरे, वाल्मिकी नायक, पुती गांवकर, तशेंच रितेश चोडणकर परवरीचे आमचे सगळ्यांचे आभार मानून कार्यक्रम सोपलो असे जाहीर करतात. सर गौतम सर, गौतम सर जी, आपने 2015 से लेके दिल्ली में आपका राज है, दिल्ली में आपका गवर्नमेंट है, आपने उस टाइम कुछ वादे किए थे, वो वादे पूरे किए हैं. गोवा में आपने भंडारी समाज और भंडारी समाज का सीएम और कैथलिक समाज का डेप्यूटी सीएम डिक्लेयर किया. उसी समय क्या ऐसे कुछ लीडर्स, ऐसे कुछ वादे, जातीय वादे और धर्मेंद्रीय वादे आपने किए थे क्या उस समय में? जाति की बात नहीं इसमें कोई, इसमें न्याय की बात है. अगर काबिलियत है तो मौका मिलना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? देश के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर नहीं, मेरा रहते हैं. मेरा नहीं, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ. अगर किसी कम्युनिटी को मौका नहीं मिला वर्षों से और उस पॉपुलेशन में भी मेजोरिटी में है, काबिलियत भी है, तो उनको मौका देने में दिक्कत क्या है किसी को? हमने अगर वायदा किया है तो बहुत सोच समझ के किया है. इसमें कोई जातिवादी सोच नहीं है, इसमें न्यायवादी सोच है. दिल्ली में भी ऐसे कुछ जाति है, अधिक जाति के लोग हैं, उनको क्या ऐसा मौका मिला है क्या अभी तक? देखिए, जैसे जैसे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी, आम आदमी पार्टी तो बनी न्याय के लिए, वो अपने आप न्याय के सिद्धांत पे चल रही है और जिन लोगों को कभी मौका नहीं मिला उनको मौका मिल रहा है. सेकंड क्वेश्चन है अबाउट दिल्ली पॉल्यूशन, इसके ऊपर आपकी क्या है? दिल्ली में अभी पॉल्यूशन बढ़ दिल्ली में पॉल्यूशन को अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट रेगुलर चेक करें पिछले 6 महीने का, तो आपको पता चलेगा कि पूरा डाटा स्टडी किया जा रहा है और जो कदम सरकार को उठाने चाहिए थे, जैसे हमने वहां पे भट्टियों को चलने पे पूरी तरह पाबंदी लगा दी, वो गैस पे आ गई है. वहां पे जो फैक्ट्रियां चल रही थी जिससे पॉल्यूशन होता था उनको बंद किया गया है, उनको वैकल्पिक व्यवस्था पे वो लोग चल रहे हैं, उससे कंट्रोल हुआ. हमने ओड इवन किया, हमने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ इस मुहिम को चलाया. हमने वहां पर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और भी आधुनिक उपकरण अभी कांग्रेस में लगाए, उसको स्टडी किया जा रहा है, उसके बाद स्मोक टावर दूसरे भी लगेंगे. तो हम लोग एक एक करके सारे मोर्चे पे काम कर रहे हैं. पॉल्यूशन पराली से ना पैदा हो इसके लिए हमने घोल बनाया, उस घोल को इस्तेमाल करके किसान पराली को खाद में तब्दील करते हैं और उनकी जो जमीन है और भी ज्यादा उर्वरक हो जाती है. लेकिन जब तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारें वहां के किसानों को इसी तरह का घोल उपलब्ध नहीं कराएंगी तो ये समस्या से समाधान नहीं होगा केवल दिल्ली सरकार के कदम उठा लेने से, चूंकि दिल्ली छोटी सी है, चारों तरफ जिन राज्यों से घिरी है, जब तक वो राज्य उसमें कोऑपरेट नहीं करेंगे और वो अपने किसानों को आसानी से पराली को खाद में तब्दील करने का घोल उपलब्ध नहीं कराएंगी, तब तक इस समस्या का निजात करना बड़ा मुश्किल है. लेकिन दिल्ली सरकार को जो कदम उठाने चाहिए, चाहे वो वाटर का छिड़काव हो, चाहे वो भट्टियां बंद करना हो, चाहे वो स्मोक टावर लगाना हो, चाहे ओड इवन हो, चाहे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ हो, ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं. और मुझे लगता है कि आप इसे इस बात से भी देख सकते हैं कि पराली जलने से पहले का देखो आप, तब मौसम क्या था, पॉल्यूशन नहीं था. तो जिस कारणों से ये पोल्यूशन अचानक अक्टूबर नवंबर में बढ़ता है साल, उन जिन कारणों से बढ़ता है, उन कारणों में अगर हमारे पड़ोसी राज्य कोऑपरेट करेंगे तो निश्चित तौर पर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने में हम लोग कामयाब होंगे. क्या आपको लगता है जो दिल्ली के प्रश्न गोजे संदर्भात आणि या जॉनीचा संदर्भात तो हक्क विचार करे नेशनल मीडिया मध्ये कोण दिल्लीचे पत्रकार विचारते गोजे संदर्भात तुझे एक प्रश्न असा सांगते आणि सगळ्यात आधी मागता पाटले म्हणजे ग्रुप फोटोग्राफ काढला. सगळ्यांनी बघताय ग्रुप फोटोग्राफ काढूया. राजेश
प्लस मारा फोटो फोटो बोला राजेश को भेजा Thank you.